ये देखो गाड़ी, ये वाला गाड़ी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ओडिशा में, तो पहले कभी देखा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वाला गाड़ी। तो ये है, ये वाला जो बड़ा बिल्डिंग है वही है हम लोग का कंपनी जो कि। हेलो गाइस, तो फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करता हूँ। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी पूरा मस्त हैं। तो आज दोस्तों फर्स्ट टाइम मैंने फ्लिपकार्ट से मतलब सब्जी वगैरह है क्या क्या सब्जी 4-5-6 ऐसा कुछ सब्जी ऑर्डर किया है। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया हूँ तो कैसे आता है क्या नहीं है तो मालूम नहीं, एक घंटा के अंदर में आ जाएगा। सो आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। अभी हमारा ऑर्डर जो है वो आ गया है, उसको अभी रूम पे लेके आ गया, अभी उसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा कैसा सब्जी वगैरह है तो पता नहीं। बाद यहाँ पर 2 बैग मिला है हमको, चलो ओपन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अभी बैग को पूरा ओपन करके देख लिया तो देखने में तो सब्जी सब बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। कितना सामान है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतना सामान लेके आया, और वो भी कितना पता है, 229 रुपया में ये सब मिला है। तो ये सब मैं कैसे ऑर्डर किया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर फ्लिपकार्ट में क्विक वाला ऑप्शन रहता है, वहाँ पर सब्जी वगैरह जो भी आप राशन सामान खरीदना चाहते हैं वो तो मिल जाता है, बहुत लोग को पता है और बहुत लोग को नहीं भी है। इसमें मैं कैश उस नहीं दिया, मैं फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर ऑप्शन को मैं यूज किया हूँ। ये महीना जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो बिल जनरेट होगा और टोटल एक ही बार में मेरे को 5 तारीख देना है, मतलब नेक्स्ट महीना 5 तारीख को देना पड़ेगा। कितना होगा वो सब टोटल बिल एक ही बार में देना पड़ेगा। तो वही है एक फ्लिपकार्ट का पे लेटर ऑप्शन का सुविधा। अभी थोड़ा हैपबुरी मार्केट की ओर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत काम है, अभी 3 आदमी जा रहे हैं, मैं संजय प्रिया, तो देखते हैं काम होता है कि नहीं। अगर काम होगा तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं, पता नहीं। आज यहाँ पर लोग का एक फेस्टिवल है लेकिन पता नहीं मार्केट में भीड़ होगा कि नहीं, ये तो पता नहीं। शाम को शायद ज्यादा हो सकता है, फिलहाल अभी शायद खाली रहेगा। तो हैपबुरी मार्केट पहुँचने के बाद वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे काम करने के बाद अभी थोड़ा बैंक की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपना अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक कराना है, तो ये लिंक कराने के लिए अभी बैंक की ओर जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पर हो जाएगा शायद, पहले तो कॉरपोरेशन बैंक था, फिलहाल अभी वो यूनियन बैंक हो गया, तो उसी पर बैंक में जा रहे हैं। और साथ में पासबुक भी लेना है वही सब, और उसमें मोबाइल नंबर वो पहले वाला गुम हो गया तो, और अभी उसमें दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो इसलिए अभी बैंक की ओर जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप है बेंगलोर में भी, जैसे ओडिशा में होता है उसी टाइप से यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूप है, और गर्मी भी आजकल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो रूम से बैंक जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 2.5 किलोमीटर है, इसलिए चल चल के जा रहे हैं। और यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है बमसंद्रा का, ये मेट्रो स्टेशन तो बन रहा है यहाँ पर, तो शायद ये देखो गाड़ी, ये वाला गाड़ी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ओडिशा में, तो पहले कभी देखा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वाला गाड़ी, जो कि वहाँ से मसाला है जो उसको ढलाई वाला मसाला उसको उठा रहा है वहाँ ऊपर में, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वाला गाड़ी, बहुत ही खतरनाक है, और इसका जो हाइट है ना बहुत लंबा। तो यहाँ पर बैंक आया था लेकिन शायद अप्रैल 1 तारीख है, इसलिए शायद बैंक बंद है कि क्या है तो पता नहीं, हम लोग भी भूल गया था यहाँ पर, तो क्या करेंगे फिर, अभी रूम की ओर निकलना पड़ेगा। अप्रैल 1 तारीख छुट्टी रहता है तो मेरे को मालूम ही नहीं हुआ, और इतना दूर हम लोग चल चल के 2 से 2.5 किलोमीटर आ गए और फिर अभी रूम की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर काम से आए थे बट हुआ ही नहीं, तो और एक दिन फिर से आना पड़ेगा यहाँ पर, और जो काम है उसको करना पड़ेगा। आज अप्रैल फुल हो गया हम लोग का, इतना धूप में आया लेकिन क्या करें, सब पॉपआउट हो गया, क्या करेंगे, 12 बजे आया। तो ये है ये वाला जो बड़ा बिल्डिंग है
वही है हम लोग का कंपनी जो कि सुप्रजीत। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यह है सुप्रजीत। तो ये कंपनी में हम लोग काम करते हैं रूम। अभी उधर से आने का बाद फिर से हम एक दोस्त के साथ में फिर घूमने के लिए जा रहे हैं। किधर जाएंगे वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए घूम रहे हैं। रूम में रह रहे के अभी बोरिंग हो रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। तो किधर जाएंगे वो तो पता नहीं। तो ये वही फ्रेंड है जो कि एक दिन साथ में गए थे थोटिकलू वाटरफॉल, फ्रेंड के साथ में अभी भी जा रहे हैं। वैसे ही स्कूटी में थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, तो देखते हैं और किधर जाते हैं। फोटोशूट वगैरह थोड़ा बहुत करना है और वापस आना है। और आज तो बारिश का मौसम भी हो रहा है, पता नहीं बहुत ज्यादा बारिश आएगा क्या करेगा। हो भी सकता है बारिश लेकिन पता नहीं। और अभी शाम का टाइम भी हो गया, इसलिए कोई गारंटी भी नहीं है। देखते हैं। तो इधर उधर घूमने का बाद किधर जाएगा, लास्ट में हम लोग इधर रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। तो यह है यहाँ का क्या बोलते हैं, हिलागली की हिलाली बोलते हैं पता नहीं। ये स्टेशन की ओर आ गए हैं और थोड़ा इधर बैठेंगे और फोटो वगैरह इधर ही शूट करेंगे, उधर तो जैसे हुआ ही नहीं। तो इधर का नज़ारा कुछ इस टाइप से है, तो इधर ही थोड़ा बहुत फोटो वगैरह शूट करते हैं। और अभी वैसे भी शाम हो गया, बाद में बारिश शुरू से आएगा क्या करेगा वो भी पता नहीं, फिर निकलना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय किया और फोटो वगैरह भी शूट किया। तो यहाँ का लोकेशन बहुत ही मस्त लगा, यहाँ पर भी ऐसे फोटो वगैरह शूट किया। फिर इधर का ये लोकेशन रेलवे स्टेशन है ना, इसलिए थोड़ा बहुत ही मजा आया ये लोकेशन में। और बहुत ही देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और कुछ देर के बाद से शायद यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पर रील्स तो एक दो भी बनाया वैसे टाइम पास जैसे। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पूरा अंधेरा भी हो गया देखिए यहाँ पर। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं दोनों। सो गाइस आज की ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो चलो मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।